पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को रथ महोत्सव और गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इस खास अवसर पर जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने से साधक को जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा में बहुत ज्यादा संख्या में भक्त शामिल होते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि हर साल रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। कैसे शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकल गए। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिनों तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।